नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आप लोग तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं और मुझे कमेंट्स भी कुछ कुछ मिल रहे हैं और मैंने बहुत सारी चीजें बताया है मैंने आप लोगों को, और उसको आप फॉलो करते रहें, आपको फायदा होना ही होना है। और दोस्तों मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक हमेशा जरूर देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो। और दोस्तों मैंने बहुत से कुछ आपको होमवर्क आप लोगों को दिया था, तो उम्मीद करता हूँ वो कर रहे होंगे आप लोग। देखिए दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ ना उसको आप पूरी तरह फॉलो करते रहिए, स्वर ज्ञान और गाना जरूर निकलेगा, स्वर का जैसे जैसे आइडिया होगा। इसीलिए मैं तरह तरह की चीजें बता रहा हूँ, कभी नीचे से कभी ऊपर से, ताकि आप उस आवाज को समझ सके। मैं और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा आगे, अभी मैं एक क्या करता हूँ कि गाने पे आपको बताता हूँ कि अमूमन क्या होता है कि आप लोग सी शार्प से ही गाना निकालने की कोशिश करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन देखिए उसको अब कैसे थोड़ा सा करें। अब इससे क्या होगा, आपको स्वर का ज्ञान होगा, पिच की आइडिया होगी, गाना पकड़ने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों देखिए क्या करना है इसको, जैसे एक गाना मैं लेता हूँ, आपने सुना होगा, उठे सबके कदम, उठे सबके कदम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ऐसा गाना है, पुराना गाना है, आप लोग सब लोग जानते होंगे, हारमोनियम वाले तो एकदम पक्का जानते होंगे क्योंकि हारमोनियम वाले ज्यादा से ज्यादा पुराने लोग ही हैं, तो आप लोग एकदम श्योर है 100% कि आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस गाने को पहले जैसे अमूमन आप पहली काली से बजाते थे, हमेशा पहली काली से प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी को हम लोग पहले करते हैं कि पहले वहीं से बजाते हैं और फिर उसके बाद दूसरे जगह आप शिफ्ट कीजिएगा दूसरे स्वर से, कि दूसरे स्वर से कैसे पकड़ पाएंगे वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए तो दोस्तों क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपके लिए कॉमन है, आप लोगों के लिए जो हमेशा बस आप ये लोग करते हैं, हमेशा मैं देखता हूँ मैं बहुत लोगों को कि बस ये सारे गाँव पता नहीं सा गाना निकालना है तो यहीं से घूम गए। नहीं देखिए क्या करना है, मैंने पहले भी ये ट्रिक बताया आपको और आज फिर बता रहा हूँ कि देखिए क्या करना है आपको, दो तरह से होमवर्क करना है आपको। दोस्तों आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आप गाना नहीं निकल पाएंगे, ये एक होमवर्क है, वो भी मैं दे रहा हूँ। ऐसा मैं समझता हूँ कि शायद कुछ लोग होंगे जो इस तरह से बताते होंगे, हालांकि ये बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, बोलने का मकसद मेरा ये कि ताकि आप लोग इस चीज को करें, बस मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ताकि आप लोग इसको करें। अब जैसे देखिए आप यहाँ से गाना हमेशा बजाते हैं, कोई कोई निकालने की कोशिश यहीं से करते हैं, देखिए मैं यहीं से पहले बताता हूँ आपको, आपने इस गाने में क्या लगा, सा रे ग म प और यहां पर नी, इतना ही स्वर लगा। अब देखिए आप क्या कीजिए, उसी गाने को आप कैसे इसको जगह को बदलिए, तब आपको आवाज जो आप कहते हैं ना स्वर का ज्ञान और पिच वो समझ में वो आपको आने लगेगा। तो देखिए हम मैंने बताया था कि इसी आधार पर यहां से सरगम बजाने के लिए, आपको याद होगा मेरे वीडियो है अभी लगातार जो मैं बता रहा हूं उसी में मैंने बताया था, तो उसमें क्या था, जैसे ये सारे ग म प ध नि सा मैंने बताया था, इसमें ज्यादा डिटेल्स मैं नहीं करूंगा टाइम लग जाएगा, उसी तरह यहां से सा मानकर हमने बताया था, ये सब आप कॉपी पे नोट भी कर लिया कीजिए थोड़ा, तो ये हो गया। अब देखिए इसी आधार पर आधार इसको बनाइए और ये सा है, यहां से सा मानिए। अब देखिए क्या था, सा एक छोड़कर रे, फिर एक स्वर छोड़कर ग, फिर ग और म लगातार, और फिर एक छोड़कर प, सा रे ग म प, ठीक है, और यहां नी एक नीचे लगा था, तो सा के जस्ट नीचे नी है। अब देखिए इसको सा आप मानिए,
तो एक छोर का रे हो गया, एक छोर का ग हो गया, सा रे ग, ग म लगातार होता है ग म, तो यहाँ ग म लगातार हो गया, फिर एक छोर कर प, बस इतना ही पर गाना है। और यहाँ नी, इसको सा माना आपने तो ये नी नीचे लगाना है इसको, ठीक है। तो जैसे सा के नीचे नी था, अब जैसे अपने यहाँ आपने बजाया यहाँ, अब उसी चीज को यहाँ कीजिए, समझ में आ गई बात। ये आपको यहां बजाना आता है, इसी चीज को शिफ्ट किए हम लोग यहां। अब इसके बाद था क्या, कभी ऐसे गीत गाया करो, तो उसी चीज को फिर जो आपने यहां किया वहां यहां फॉलो करेंगे क्या। समझ रहे होंगे आप, क्लियर। अब उसके बाद आपने क्या बजाया था यहां से, और इसके बाद था इसी चीज को फिर हम लोग यहां से कर लेंगे फिर। अब आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ। अब देखिए एक बार मैं पूरी पूरा लगातार, मैंने तो उसमें पहले इसके पहले तोड़ तोड़ कर बताया गाने को, तोड़ तोड़ कर बताया लाइन बाय लाइन। अब देखिए लगातार मैं यहां फिर से बजाता हूं और फिर यहां से बजाता हूं, इसको आप फॉलो कीजिए। अब सेम चीज यहां से, जैसा हमने यहां किया था उसी तरह इसको सा मानकर हमने यहां किया, तो इस तरह का होमवर्क करें। अब देखिए एक और इसमें तरीका मैं बताता हूं कैसे। अब आप इसको गुनगुनाइए या गाइए, लाला करकर आ करकर, तो जैसे आ करते, मान लिया शब्द आपको वर्ड याद नहीं है, इससे पिच आप समझ पाएंगे। गाना सुनेंगे तो देखिए कैसे आवाज में अंतर करेंगे। अब यही आवाज यहां आ जाएगी तो कैसी होगी, इसको कहते हैं पिच को ऊपर करना, पिच को ऊपर करना, स्केल बदलना कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए ये सी शार्प स्केल था, यानी पहली काली से, और ये सी शार्प मेजर था, सी शार्प ही कहते हैं, और एफ शार्प स्केल है। मेजर में मेजर नहीं बोला जाता है, बोल सकते हैं लेकिन बोला नहीं जाता है, बोलचाल की भाषा में सिर्फ नोट बोल दिया जाता है। एफ शार्प, ठीक है, यानी तीसरी काली से, ठीक है। अब देखिए आवाज ऊपर चढ़ गई है, ये क्या था, और यहां ऐसा हो गया। तो एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं, लाला आ कर सकते हैं उसी तरह। अब देखिए ये
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या आपको बताया। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, पिच आपको समझना पड़ेगा, गाने को सुनकर आपको गाने की आवाज की को पकड़नी पड़ेगी कि आवाज कितनी ऊंचाई नीचाई पे जा रही है। मैं हर वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, और आप लोग इस पे पूरी तरह ध्यान दें। जब ध्यान देंगे तभी गाना निकल पाएगा। तो दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि जो जहां जहां से मैंने बताया है वो तो आप करें ही, एक जगह और कोई प्लस कर ले जहां से आपको समझ में आती है। ये हमारी तरफ से होमवर्क है आप लोगों के लिए कि एक किसी और स्वर से उसको ऐड करके बजा कर देखिए और कोशिश कीजिए। देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, जब बज जाएगा ना तो आप खुश और खुद ही खुश हो जाएंगे कि अरे तो बज गया, और आपको करने आपकी करने की चाहत भी बढ़ जाएगी। आप इसको करें, और कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और जो भी क्वेश्चन करना है कर सकते हैं, जो भी कहना है कह सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर से एक बार। नमस्कार।